अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। पनीर का सालन है, हमने लिया है 400 ग्राम पनीर, उसके छोटे छोटे काट लिए हैं इसके टुकड़े इस टाइप के। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, आधा कप से थोड़ा कम भी है। इसे हम गर्म कर लेंगे। अच्छा देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी दाना और 1/2 टीस्पून राई। सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। हमने छोटी प्याज जो है उसको चॉप किया है, इसे मिला देंगे। इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अच्छा देखिए, प्याज थोड़ा ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन। अब इसके बाद हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून टमाटर प्यूरी। एक टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक 1/2 टीस्पून, आप जितना पसंद करें उतना डालें, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, काली किशमिश, कोरिएंडर पाउडर ये भी 1/2 टीस्पून। हम मिक्स कर लेंगे इन चीज़ों को। अभी ये अच्छी तरह भुनाएगा। जब तक ये भुनाता है, हम ज़रा पनीर हल्का सा फ्राई कर लें। पैन चढ़ाया मैंने पनीर फ्राई करने के लिए, इसमें थोड़ा सा मक्खन डाला, इसमें हम पनीर डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे इसको। इसे हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए, पनीर जो है ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अच्छा देखिए, पनीर जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। और दूसरे फ्लेम पे मैंने मसाला रखा है भुनने के लिए, जो भुना चुका है। अब इस पनीर को मैं उस मसाले में डाल दूंगी। अच्छा देखिए, ये मसाला भुना चुका है, इसमें हम 1 चम्मच दही डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। पनीर भी हमारी तला चुकी है, फिर इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा, पनीर डालने से पहले हम इसमें मिलाएंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच, कड़ी पत्ते के 4-5 दाने, हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च है, मैंने आधी काटी है शिमला मिर्च, इसको हम डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर। अच्छा देखिए, पनीर में मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए इसे भुनेंगे, फिर इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और फिर इसे उतार लेंगे। ये देखिए, पनीर तैयार हो चुकी है, पनीर मसाला। अब इसमें हम हल्का सा पानी लगा देंगे, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। ये सभी मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार पनीर मसाला तैयार है ये। अब इसे हम डिश में निकालते हैं। ये देखें, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।